दोस्तों आज मैं बताऊँ किस तरह से अपने पीसी या लैपटॉप को एक मोबाइल के अपने मोबाइल की तरह एक हॉटस्पॉट बना सकते हो। इसके लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो अपने पीसी या लैपटॉप को हॉटस्पॉट बनाने के लिए सबसे पहले आप इस वाईफाई वाले सेक्शन पे आ जाइए। देखिए आपका ये लैपटॉप किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप अपने लैपटॉप को हॉटस्पॉट नहीं बना सकते। इसके लिए चेक कर लीजिए आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है कि नहीं। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद ये नेटवर्क सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाइए। ये जल गए। उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट पे जाइए। मोबाइल हॉटस्पॉट पे जाने के बाद ये बस बंद रहेगा, इसको चालू कर दीजिए। देखिए मैं चालू कर दिया। इसके बाद आपको आपके वाईफाई का क्या नाम देना है, देखिए मेरे को मुझे वाईफाई का नाम डेस्कटॉप देना और इसका पासवर्ड है 1234। बाद में सेव कर दीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन में जाके देखोगे तो देखिएगा कि आपका जो लैपटॉप है वो एक मोबाइल हॉटस्पॉट बन चुका है। इस देख सकते हो मैं अपना वाईफाई चालू करके बता दे रहा हूँ। देखिए डेस्कटॉप नाम का आ गया। देखो हमने अपने लैपटॉप में डेस्कटॉप डाले थे, अपने फ़ोन में डेस्कटॉप। इसका मतलब हमारा जो लैपटॉप है वो एक हॉटस्पॉट बन चुका है। इससे आप कनेक्ट कर दीजिए। आपका पासवर्ड आपने डाले थे वो डाल दीजिए 1234567 8। ज्वाइन कर दीजिए, ये कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एक प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।